हाँ जी सारे नूं सत श्री अकाल जी, तुहाडा साडे YouTube चैनल ते स्वागत आ। जे तुसीं पहली बार साडा चैनल वेख रहे हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अज असीं तुहाडे नाल इक इनफॉर्मेशन सांझी करांगे। ये इनफॉर्मेशन मास्टर केडर पंजाबी दे नाल संबंध रखदी आ। पिछले दिनों दे विच पंजाब टैट दा रिजल्ट आया ते जिन्हां दा पंजाब टैट क्लीयर हो गया उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकां। जिन्हां दा नहीं होया कोई गल नहीं, निराश नहीं होना, दोबारा फिर वधिया तैयारी करियो ते अगली बार हो जाऊगा, मेहनत नहीं छड्डनी आपां ने। ते हुण जिन्हां बच्चों का वाह वास्ता पंजाबी दे नाल आ जां जिन्हां दा सब्जेक्ट कंबीनेशन विच एस एस टी ते पंजाबी आ, हुण ओह बच्चे किहड़े सब्जेक्ट की तैयारी करन, है ना। उन्हां दा पंजाब टैट तां हो गया ते हुण ओह दुविधा दे विच ने कि असीं पंजाबी की तैयारी करिए जां असीं एस एस टी की तैयारी करिए, है ना। तो इहदा मैं उत्तर यही दूंगा जे तुसीं इस दुविधा विच्चों कि असी किहड़े सब्जेक्ट की तैयारी करिए। कईआं नूं तां क्लीयर होगा कि असी किहड़े सब्जेक्ट वल जाइए, जिन्हां नूं हजे क्लीयर नहीं हैगा, जिन्हां बच्चों की एम ए पंजाबी आ ते दिलचस्पी आ उन्हां दी पंजाबी दे विच, उन्हां नूं लगदा कि असी पंजाबी दे विच अपना 100% दे सकदे हां, तां उह पंजाबी की तैयारी करन। ते जिन्हां दी एम ए हिस्टरी दे विच आ, पोलीटिकल साइंस दे विच आ, एम एस सी जोग्राफी आ, है ना, जां सोशल साइंस दे किसी होर सब्जेक्ट दे विच आ, उन्हां नूं लगदा कि असी एस एस टी दे विच वधिया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो वह एस एस टी वल आउण। ते जिन्हां दी ना तो एम ए पंजाबी आ ना उन्हां दी एम ए एस एस टी आ, वह की करन। देखो जां तां अपनी दिलचस्पी अपना जिहड़ा इंट्रस्ट आ उह क्रिएट कर लो कि असी किहड़े सब्जेक्ट वल जाणा। दो सब्जेक्टां दी तैयारी नहीं होणी। सानू कई जिहड़े सानू समाज दे विच बंदे मिलदे ने, उह कहिंदे ने कि दोनों की तैयारी कर लो, जिहदी वध जिहदियां वध पोस्टां आ गईआं है ना आपां उहदा पेपर दे लवांगे। इदां नहीं हुंदा, है ना। तां करके तुसीं उस चक्कर दे विच ना पैओ कि असीं एस एस टी की तैयारी भी कर लीए ते असीं पंजाबी की तैयारी भी कर लीए। इदां नहीं होना, एक सब्जेक्ट की तैयारी होगी। एक दिन दे विच सवेरे तुहाडा पेपर एस एस टी का होगा, शाम नूं पंजाबी का होगा, तां तुहाडे दे विच इन्नी ऊर्जा नहीं होगी ना कि तुसीं पहला पेपर दो फिर शाम को पेपर दो। करके तुसी दो वेड़िया दे सवार ना हो, डुब जाओगे। एक की तैयारी कर लो, चाहे पंजाबी की कर लो चाहे एस एस टी की कर लो, वो अपना 100% दो ते उदा तो रिजल्ट भी 100% मिलेगा। पर दोनों की तैयारी मेरे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी तुसी सियाने हो, मैं तो सिर्फ तुहानू अपना जिहड़ा सुझाव है ना अपना तजर्बा दसना सी। हाँ जी, तो मेरा जिहड़ा संबंध आ वो पंजाबी सब्जेक्ट दे नाल आ। मैं 5 छे साल तो लगातार UGC नैट पंजाबी पढ़ा रहा, तो उस तो बाद मास्टर केड दियां क्लासां भी असीं पिछले साल शुरू कीतियां ने। असीं हुण पंजाबी की तैयारी किवें करिए ना, सब तो पहला सवाल तो यही आ कि चलो साडा पंजाब टैट भी हो गया, असीं पंजाबी सब्जेक्ट दे विच तैयारी करनी आ, हुण पंजाबी सब्जेक्ट की तैयारी किवें करिए, है ना। ये मुद्दा सब तो वड्डा। मार्केट के बहुत सारिया किताबा आदि ने, तो सानू दुविधा विच भी पाउंदियां ने, तो मार्केट के बहुत सारिया प्रश्नावलियां आदियां ने, तो वह भी दुविधा विच पाउंदियां ने कि असी प्रमाणिक किताबा किहड़ियां पढ़ीए। जे तुसी सैल्फ स्टडी करते हो, क्योंकि मैं कोचिंग दिना है ना, मैं मास्टर केडर का बैच शुरू कर जा रहा 10 जून तो, रिलेटिड ये मेरी वीडियो आ। एक तरह की तुसी एडवरटाइजमेंट ला लो कि हरेक बंदा एडवरटाइजमेंट करता, पर एडवरटाइजमेंट बहुत जरूरी आ, पर उहदे विच क्वालिटी है या नहीं है ना वह भी जरूरी आ कि जिहड़ा टीचर तुहानू पढ़ा रहा उन्हूं सब्जेक्ट की समझ किन्नी कु आ, जां उन्हूं पेपर के पैटर्न की समझ किन्नी कु आ। सारे टीचर वधिया हुंदे ने, कोई माड़ा नहीं हुंदा, कि वह पेपर के पैटर्न तो जाणू आ, यह बहुत जरूरी आ। जे वह पेपर के पैटर्न तो जाणू नहीं हैगा तो साडी वधिया तैयारी नहीं करा सकता, क्योंकि असी पेपर क्लीयर करना है ना। पेपर क्लीयर साडा पहला मकसद आ, चीज़ा समझनिया है ना, ज्ञान लेना वो बाद की गल आ, वो सारी उम्र पैया तुसी पढ़ी जानिया ने किताबा। असी पेपर क्लीयर करना साडा ये पहला टारगेट आ, ते सानू तैयारी भी पेपर के अनुसार करनी चाहिए आ, ना कि असी अपनी तैयारी अपने अनुसार करिए ना कि हाँ असी इदा इदा पढ़ना, बड़ा हार्ड लैवल पढ़ना है ना, बड़ा असी थोड़ा जा सुखाले लैवल का पढ़ना।
हुण असी पेपर वेखना कि पेपर का पैटर्न की आ। सानू 150 सवाल आना, तो 150 सवाल के मैरिट बननी आ, तो जिदे जिन्या पोस्ट आनगियां उन्नी क मैरिट बन जूगी। हुण पैटर्न किदां दा पंजाबी दा, जिहड़ा ये पैटर्न आ ना ये बहुत ज़्यादा आसान आ। जे असी देखिए पिछले 3-4 साल के पेपर हुए ने, जिहड़े सानू सवाल आए ने वह ज़्यादा तत्थ के आधार पर ने, फैक्ट के आधार पर कि कहानी कदों छपी, ये कहानी कि मोहन भंडारी का जीवन काल की आ, बरियाम सिंह संधु नू कदों साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिलिया, किहड़ी किताब ते मिलिया, भाई वीर सिंह दियां हेठ लिखिया किताबां ने जिहड़ियां, उहनां विच किहड़ी किताब भाई वीर सिंह दी आ ना, 3 किताबां किसे होर कवियां दित्तियां, इदां दे सवाल होणगे। ये सारे तत्थ दे आधार ते ने, इहदे विच कोई समझ नहीं, कोई कुछ नहीं। जिहड़ा पंजाबी नहीं भी जाणदा ना, किसी होर भाषा नाल संबंध रखता, उहनूं भी तुसीं रट्टे लवा दो तां उहनूं भी चाहे तुसीं पुछ लिओ, जे उहनूं सवाल आ भी गिआ उह भी हल कर लूगा, क्योंकि उहदे उहनूं तत्थ ज्यादा। हुण जिहड़ी साडी तैयारी आ है ना, असी किवें तैयारी करवाने साडी क्लास दे विच, उहदे विच असीं जिवें मान लो ये साडा सिलेबस आ, मान लो कि सिलेबस ही आ इह, इहदे विच साडे कोल पहला जिहड़ा भाग आ उह कविता दा, असीं की करांगे तुहानूं पहलां भाई वीर सिंह करावांगे, भाई वीर सिंह कराउण तों बाद असीं दूए दिन 10 सवाल भाई वीर सिंह उत्ते पुछांगे, उहदी PDF बनावांगे ते तुहानूं भेज दित्ती जाया करूगी। जे तुसीं भाई वीर सिंह पढ़िया ते उस तों बाद तुसीं उह 10 सवालां दे उत्तर देने ने कि उह जो असीं कल पढ़िया उह ठीक ने जां नहीं, असीं किन्ना कुछ चीज़ां नूं समझिया, किन्नियां सानूं चीज़ां याद ने। ते उस तों बाद धनी राम चात्री, उस तों बाद प्रोफेसर पूर्ण, जिन्हां बारे थोड़ा जिहा घट मटीरियल आ ना, जिवें धनी राम चात्रिक हो गए, दीवान सिंह काले पाणी हो गए, जिन्हां ने थोड़ियां घट किताबां लिखियां ने, जां जिन्हां दा मटीरियल थोड़ा घट आ, वह असी एक दिन दे विच 2 कवि भी कर लैने आ, पर ज़्यादातर असी एक दिन दे विच एक कवि करते हैं। जिहड़े वड्डे कवि ने, भाई वीर सिंह हो गए है ना, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, सुरजीत पात्र, बाबा बलवंत, जगतार, प्रीतम सिंह सफीर, ये वड्डे कवि ने ना, सारी वड्डे ने, मतलब इन्हां दी विचारधारा, इन्हां दीआं किताबां, इन्हां दीआं चर्चित कवितावां किहड़ियां किहड़ियां ने, जिहड़ियां BA लैवल दे विच जां +2 लैवल दे विच ना स्कूल लैवल ते पढ़ाईयां गईयां, उहनां दे विशे की ने, है ना, कहानी, जे आपां कहानी दे एंगल तों सोचिए, ते असी कल्ला कल्ला जिहड़ा साहित्यकार आ उह तुहाडे डिस्कस करांगे, ते उहदे विचों 10 सवाल तुहानूं पुछे जाणगे। इदां असी सारिआं कवियां बारे गल करांगे, ते हरेक कवि दे 10-10 सवाल पुछे जाणगे। उस तों बाद असी जदों साडी कविता हो गई तां असी समुची कविता नूं समझण दे लई 50 तों 60 सवाल क्रिएट करांगे, जिहड़े बहुत वधिया सवाल सैट करे जाणगे कि जिन्हां दा लैवल वधिया होऊगा उहदे अनुसार पेपर दे विच सवाल बन सकते ने जां बणे ने। असी 2 लैवल नहीं पढ़ाउणा कि उहदे माता पिता दा नां की आ, पिता दा नां की आ, है ना, वह 8वीं क्लास च कित्थे पढ़िया, 10वीं क्लास च कित्थे पढ़िया, ये सवाल नहीं तुहाडे नाल डिस्कस करने, ना ही पेपर च आने। तो असी इदा के सवाल डिस्कस करांगे, वह तत्थ आधार पर भी होणगे ते वह समझ के आधार पर भी होणगे, है ना, विचारधारक भी होणगे कि आ लैवल का सवाल पेपर दे विच आ सकदा, असी वह लैवल मेनटेन करके रखांगे साडे टैस्टां दे विच। ये जिहड़े टैस्ट ने ये बिल्कुल फ्री होणगे, इन्हां दी कोई फीस नहीं, एक बार जो फीस तो ली जाऊगी वो सारिया चीज़ा तो फ्री दिखाई जाएगी। हूँ मेरी समर्था, मेरी योग्यता कि मैं जड़िया थोड़े न प्रोमस कर रहा हाँ गल्ला कि आ मैं करूँगा, ये तो ज़्यादा भी मैं कर सकता ना, वो बाद की गल है कि मैं थोड़े है ना टैसट होर बढ़ा दा, जा मैं 100 सवालों का टैसट पा दा, 150 सवालों का पा दा, पर जोड़े सवाल होने उन्होंने एक म्यार होगा, कोई लो म्या लैवल के सवाल नहीं होने, जहाँ का हेठला पद्धर होगा, सवाल अपना जेनुअन सैट करने ने, वधिया सैट करने ने कि जितों तुहानूं लगे कि हाँ असी भाई वीर सिंह नूं जां असी फलाने साहित्यकार नूं चंगी तरह समझ लिया, इहदे बारे असी पढ़ लिया, ठीक है जी। हुण जे तुसीं साडे कोल तैयारी करना चाहुंदे हो मास्टर ग्रेडर पंजाबी दी, तां साडे नाल जरूर संपर्क करो, साडा नंबर 9417-6565, 9417-6565 ये साडा नंबर आ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ।
ठीक है जी। तो साडा यूट्यूब ते चैनल आ उनू सबसक्राइब कर लियो। असी बहुत जल्द साढ़े चैनल ते टेस्ट सीरीज लेके आवांगे, असी उत्ते सवाल हल कराया करांगे, तां कहानी दे नावल दे नाटक दे तुहानूं उत्थों भी आइडिया हो जूगा कि साडा किहड़ा लैवल आ। असी वो लैवल मेनटेन करना कि जिहड़ा मास्टर केडर दा ना, असी बड़ा हार्ड लैवल पढ़ना है ना, ना बड़ा असी ईजी लैवल है ना जी, बड़ा सौखा लैवल पढ़ना। कई बार हार्ड लैवल पढ़िया वा भी बेकार हो जाता पेपर दे, उदा वो लैवल के सवाल नहीं आते। कई बार ईजी पढ़िया वा भी कम खराब कर दिता। आप दोनों मेनटेन करके चलेंगे, सवाल इदा के हो गए कि हार्ड भी होंगे तो ईजी भी होंगे, ताकि पेपर जिदा का भी आ जाए साढ़े वधिया स्कोर आन। तो कली कली चीज़ बहुत डिटेल कराई जाऊगी, जिन्हों का पंजाबी संबंध नहीं है, जिन्हों लगता कि बड़िया औखिया चीज़ा ने, उन्होंने एक एक कंसैप्ट क्लीयर कराया जाऊगा। जे क्लास के पंजाह बच्चे ने तो पंजाह नूं नाल लेके चलांगे असीं। इदां नहीं कि पहले जिहड़े दस ने जिहड़े थोड़े जे पंजाबी नाल उन्हां दा टच हैगा ना, कि उन्हां दे अनुसार असीं चलांगे। असीं पंजाह दे पंजाह स्टूडेंट आ नाल लेके चलना। बाकी तुसीं साडे कोल एक हफ्ता क्लासां ला सकदे हो, बिल्कुल फ्री ने, डेमो ने। उस तों बाद तुसीं डिसाइड कर लिओ कि असीं इत्थों कोचिंग लेनी आ जां नहीं लेनी। साडी बहुत वाजिब फीस आ, बहुत घट, तुसीं उन्नी कु फीस दे सकदे हो सानूं, असीं उन्नी कु फीस रखी आ कि किसी विद्यार्थी नूं कोई मुश्किल ना आवे। तो फीस साडी घट होगी तो क्वालिटी वधिया होगी, तो तुहानूं लगेगा कि हाँ असीं घट फीस च इन्ना ज़्यादा वधिया पढ़ रहे हैं, वधिया तैयारी हो रही आ। तो मार्केट दे विच बहुत सारिया एडवरटाइजमेंट चल रही ने, तो तुसीं सियाणे हो, तुहानूं सब पता ना, जो कुछ असीं वेखदे हां उदा नहीं हुंदा अज दे समें दे विच, चीज़ां नूं परखण नूं समझण नूं समां लगदा। तुसीं किसी भी अकैडमी दे विच लगना, इदां नहीं मैं कहिंदा मेरे कोले लगो, किसी कोल भी लगो, तां पहलां इह वेखो कि उत्थे बच्चिआं दी की फीडबैक आ। रिजल्ट ना वेख्या करो कि इहदे इन्ने बच्चे क्लीयर हो गए, इन्ने आए ना, इह कोई पैरामीटर नहीं हुंदा। तुसीं उत्थे बच्चिआं दी फीडबैक देखो, बच्चे की कहिंदे ने। हुण तुसीं दो बच्चों तो ना पुछो, घट्टो घट्ट 10 तों 20 बच्चों तो पुछो कि किदां दी अकैडमी है, किदां दा टीचर आ। तुसीं मेरे स्टूडेंट्स तो ही पुछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे चैनल पर वेख सकते हो। तो मैं तुहानूं नंबर भी दे दूंगा जिहड़े मेरे कोल मास्टर केडर दे बच्चे पढ़े ने। मैं पिछले बैच दे विच 10 स्टूडेंट पढ़ाए ने, तो 10 दे विचों 3 बच्चे मास्टर लग गए सरकारी। ये मेरा रिजल्ट है ना। मैं हुण 3 बच्चों की कोई एडवरटाइजमेंट नहीं की, इन्हां दी कोई फोटो नहीं पाईआं, इन्हां नूं हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मैनूं अफसोस आ कि मेरे 7 बच्चे क्यों नहीं लगे है ना। तो इस करके आपां उह चीज़ लेके चलनी आ जिहड़ी बाकी दीआं बाकियां दे कोल नहीं हैगी। साडे कोल क्वालिटी आ, साडे कोल वधिया टैस्ट सीरीज ने, टैस्ट सीरीज साडे कोल वधिया, ते साडे कोल वधिया जिहड़ा अपना कंटेंट होऊगा, वधिया लैवल दा होऊगा, जिहदे विचों मास्टर केडर च सवाल आउणगे। चाहे तुसीं लैक्चरार की तैयारी करते हो, असीं लैक्चरार ते मास्टर केडर नूं कट्ठे लेके चलना। तुसीं बी एड की आ, एम ए पंजाबी की आ, तां तुसीं लैक्चरार लई भी एलिजिबल। ते तुसीं साडे नंबर ते संपर्क कर लिओ, 9478-6785। वधिया तरीके नाल तुहानूं तैयारी करावांगे। 7 दिन दीआं साडीआं फ्री क्लासां ने, 10 जून तो असीं बैच शुरू कर रहे हैं। तो उस तों पहले सानूं फोन कर लिओ, तां कि असीं तुहाडा नंबर ग्रुप दे विच ऐड कर दईए, ते तुहानूं सारी इनफॉर्मेशन मिलती रहे। ये जिहड़ा तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे हो ये सिलेबस आ साडा पंजाबी दा। ते ठीक है, जे तुहानूं सिलेबस भी चाहिदा होया तां वी तुसीं सानूं मैसेज कर सकदे हो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया जी।